हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस, मैंने कुछ दिन पहले ओविलेशन के लिए वीडियो बनाया था, प्रेगनेंसी के लिए रिलेटेड वीडियो बनाया था कि किस तरह से हम अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओविलेशन किट का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कुछ मैंने बातें बताने भूल गई थी, तो वो मैंने उसके लिए स्पेशली छोटा सा वीडियो बनाया है। आई होप आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, मैंने उस दिन आपको बताया था किस तरह से हम ओविलेशन किट का यूज़ करके अपने ओविलेशन के बारे में पता कर सकते हैं, और उन दिनों में अगर प्रिकॉशन का यूज़ करेंगे तो हम प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही ईजी कर सकते हैं कंसीव। अगर उसमें मैंने एक दो बातें नहीं बताई थी, वो बातें ये थी कि गाइस, हमें किस टाइम ओविलेशन के लिए हम वो जो किट होती है उसको किस टाइम यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी वाली किट यूज़ करते हैं, वो तो मॉर्निंग कहते हैं कि फ़र्स्ट यूरिन जो होता है हमारा मॉर्निंग है, उस टाइम वो यूज़ करते हैं। बट ओविलेशन किट वाली में ये नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हमें सुबह उठ के हम फर्स्ट यूरिन लेके उसको चेक करना है। तो उसके लिए स्पेशली टाइम मैं आपको बताऊँ तो जब मैं चेक किया करती तो मैं 1 बजे से लेकर 3:30 बजे के अराउंड बीच में जो टाइम होता है उस टाइम में ही, क्योंकि फ़र्स्ट यूरिन नहीं हमें यूज़ करना होता है उसके लिए, तो मैं इवनिंग का टाइम जो होता है उसके बाद वाला यूरिन ही यूज़ करती थी। तो जब मान लीजिए आपने खाना वगैरह खा लिया हो, दिन का लंच वगैरह कर लिया हो, तो उसके बाद आपको कम से कम 1 घंटे तक बिल्कुल भी वॉशरूम नहीं जाना है। आपको अपना जो यूरिन है उसको होल्ड करके रखना है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि जब आपने लंच किया हो तो उसके बीच में पानी ना पिए, क्योंकि अगर आप पानी पियोगे बड़ा ज़्यादा खाना खाते टाइम तो आपका यूरिन बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएगा, तो और वो प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा प्रोसेस। तो आप लोग ऐसा करें कि जब भी खाना खाएं तो बीच में या फिर पानी कम पिए, और अगर नहीं पिएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको ये करना है, जब आपने ओविलेशन किट मंगवा ली हो तो उसे यूज़ करने का टाइम मैं आपको बताऊँ 1 से 3:30 बजे के अराउंड बीच में ही करें। और जब आप इसको टेस्ट करने के लिए जाएं तो थोड़ा यूरिन पास कर ले, उसके बाद ही यूरिन ले। वो एक कंटेन देते हैं, उसमें आपको ड्रॉप डालने हैं, उसके बाद 2-3 सेकंड के लिए उसको वेट करना है। उसके बाद जब वो रिज़ल्ट देगा वही रियल रिज़ल्ट होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपका रियल आ जाएगा जो आपका प्रोसेस होगा। आपको कम से कम ये 3 महीने पहले से ही शुरू करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपनी रियल जो आपका ओविलेशन डेट होगा उसका पता कर सकते हैं। एक बार में बिल्कुल नहीं होगा। तो आप ऐसा करें कि प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले से ही ओविलेशन किट मंगाए और उसका मंथली यूज़ करते रहें, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि हमारा ओविलेशन किस दिन होता है और हमारी ओवरी से किस दिन रिलीज़ होता है। तो आपको ये सभी को पता होगा कि जब हमारा एग रिलीज़ होता है तो वो हमारी ओवरी में 2 से 3 दिन तक उसकी लाइफ होती है। उन दिनों में अगर प्रिकॉशन किया जाए, अगर हमारा होता है, तो उन दिनों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। बट अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से तो उसको जल्दी से हम कैच कर लेंगे। तो आपको भी यही करना है, 3 महीने पहले से ही अपनी प्लानिंग शुरू करनी है, उसको समझना है, ओविलेशन किट का यूज़ करना है। उसके बाद जो भी आपकी प्लानिंग होगी वो सक्सेसफुली हो सकती है। और आपको एक बात मैं और बता दूँ, जब भी आप लोगों को इस दिन बाद ये सब कुछ प्रोसेस करने का टाइम डेली का आपको एक टाइम फिक्स रखना है कि हमें इस टाइम में ही रोज़ डेली इस टाइम पर ही हमें चेक करना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज आपने 1 बजे चेक किया, अगले दिन आपने 3 बजे चेक किया, ऐसा बिल्कुल ना करें। एक टाइम ही रखिए, अगर आपको 1 बजे करना है यूरिन चेक तो 1 बजे ही टेस्ट करें, इससे पहले ना करें और इसके बाद भी ना करें। आपको जब टेस्ट करने के बाद ही यूरिन पास करना है, बीच में बिल्कुल नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स भी आपको याद रखनी चाहिए साथ में। जब भी आप ओविलेशन किट वगैरह जब आपने यूज़ करने शुरू कर रहे हो तो आपको ऐसा करें, एक छोटी सी नोटबुक बना ले, उसमें लिखते चले साथ साथ में। क्योंकि अगर मैंने भी ऐसा किया था, नोटबुक ली हुई थी, उसमें मैं अपनी जो वो आती थी उसमें लाइन वो ड्रॉ करके लिखती रहती साथ में कितना कितना आया है, तो उससे ईजी हो जाता है। तो आप भी एक नोटबुक में नोट करते रहे साथ साथ में कि कितने कितने टाइम बाद मुझे किस तरह की लाइन बनी है या नहीं, इससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अगर आप उसको कंटिन्यूसली बनाए रखोगे। जैसे जैसे आप ओविलेशन का अपनी किट यूज़ करोगे डे बाय डे, तो उसके आपको प्रोसेस अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप जल्दी से कंसीव भी कर लोगे। जो भी मेरी फ्रेंड्स जो अभी कंसीव करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो प्लीज़ एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। अगर भगवान ने चाहा तो आपको बड़ी जल्दी कंसीव हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस करने के बाद भी आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से भी कंसर्न करना ज़रूरी है। कहीं कई बार होता है कुछ गर्ल्स को PCOD की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके वजह से भी बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो
मगर जिन कुछ गर्ल्स मेरी तरह होती होंगी जिनको बड़ी जल्दी कंसीव हो जाएगा बेबी, तो इस तरह से सारी ट्रिक यूज़ करें, आपको जल्दी से बेबी कंसीव हो जाएगा और जल्दी से मुझे आप गुड न्यूज़ ज़रूर सुनाओगे, मुझे पता है। तो गाइज ये थी छोटी सी टिप्स जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी ओवुलेशन के बारे में, किस तरह से हमें किस टाइम पे यूज़ करनी है, किस तरह से यूरिन पास करना है, उसके बाद का प्रोसेस जो होता है वो क्या होगा वो मैं फिर बताऊंगी अगर आप लोग चाहोगे। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइज़।